गाइस वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज मुझे मेरे स्कूल के लिए साइंस प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो अभी हम लोग फाइनेंस आए थे, हमने सारी चीजें ली, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक शॉप गए, हमें उधर से बीच कुछ चीजें लेनी थी। दुआ का है साइंस प्रोजेक्ट और वो है विंडमिल जी, तो उसके लिए हमने कुछ चीजें लेनी थी तो फिर वही बस गए हुए थे, ले ली। अच्छा तो अब वो हम लोग बना रहे हैं, तो दुआ ने कहा कि चले मामा हम वीडियो बना लेते हैं, तो एक ये मेमोरी रह जाएगी कि दुआ ने 3 क्लास में विंड मिल बनाया था जी। तो बस अभी वो हम बना रहे थे, तो ये जो है बॉक्स ले लिया और मैं विंडो बनाऊंगी और साथ साथ जो अब जो मैं करती जाऊंगी और फिर वो हम दिखाते जाएंगे कि कैसे बनता है। हम लोग विंडो बनाएंगे फिर हम लोग उसको पेंट करेंगे जी। गाइस ये जो है बोला था हमें छोटी सी, ये जो है ना इसको मशीन चाहिए साइंस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो समझ गए उन्होंने डायरेक्ट जो है ये दे दिया। तो ये ऑलरेडी ये मुझे लगता है कि लोग जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए ये काम आता है, तो फिर सर लोग ही ये लेते होंगे, तो इसलिए उन्होंने ये जो है किट बना दी है। इसमें फैन भी है, लाइट भी है और ये पूरा प्रॉपर तरीके से इन्होंने तैयार करके सेल करते हैं। तो मैंने तो सब सोचा था बस ये मिलेगी मशीन और बाकी मुझे खुद करना पड़ेगा। तो चलें फिर इसको ओपन कर लेते हैं। मेरे हाथ देखें, हाथ में पूरा पेंट, मेरे भी हाथ में पेंट है लेकिन थोड़ा। ये है बैटरी जहाँ पे हम लोग ये सेल लगाएंगे। हाँ जी, तो मैं देख रही थी इतना क्यूट से। चलें फिर ये मैं बना लेती हूँ, दुआ तो ये बोलती रहेगी। तो देखें गाइस ये जो है ये विंड मिल किट जो है ये किसी को समझ नहीं आ रही, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, तो ये गड़बड़ है बाबा। दुआ के बनाती तो ये वैसे है दुआ की क्लास का प्रोजेक्ट, तो ये मुझे मैंने कुछ ये देखें यहाँ से दिखा, देखें ये दुआ की मम्मा ने बनाया, कुछ मैंने जोड़ा तो है लेकिन ये देखें जोड़ मोड़ और तोड़। देख लें अगर आपको कभी सीखना हो तो कमेंट्स में हमें बताना, फिर हम आपको क्लासेस देंगे इसके। मैं मुझसे तो बन जाए पहले, क्लासेस के लिए लोग आ जाए और मैं बैठी हूँ खुद सीख रही हूँ। ठीक है ना, कोई तार कहाँ लगा दे रहे, कोई तार और उनको अर्थ लगता रहे। इसी अर्थ में वो लोग फिर शायद सब्सक्राइब का बटन भी दब जाए उनसे। ये मोटर है, ये पानी की मोटर नहीं समझना इसको, ये दूसरी इस मोटर, ये फैन लगेगा और ये फैन देखें इसने पूरे घर को हवा देनी। Oh my God! देखें ये दुआ की मम्मा क्या पूछ रही है बताएं। ये मैंने आज तक घर का बल्ब नहीं चेंज किया, मुझसे मशवरे ले रही है। अभी ये क्या करना है इसका क्या, देखें लगाएं, कोशिश तो करें ना, लगाए फिर ट्राई करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अभी हम काम तो नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या बनता है। Stop it. Get some help. A few hours later.
तो जी गाइस देखें, दुआ भी सो गई और दुआ के डैडी भी सो गए और अभी बाकी बची मैं। हेल्प की थी दुआ ने, फिर उसका स्कूल को बहुत लेट हो रहा था क्योंकि उसको मैं टाइम से सुला देती हूँ, तो टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा ये ना हो कि सुबह फिर इतना प्रोजेक्ट बना रहे हो जा ही ना पाए। दुआ के डैडी आए हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने थोड़ी देर वही देखा अपने कितनी उन्होंने हेल्प करवाई, पहले मैं बस वीडियो बना रहा हूँ और बनाती रहे, तो बस समझ ही नहीं आ रहा था उनको, मुझे भी नहीं आया, तो वो तो थक के कह रहे हैं कि ना ये नहीं हो पाएगा आपसे। उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, कल तक आपको पहले बनाना चाहिए था। तो अब मैंने कहा कि नहीं, अब ये तो मैं बना के ही रहूँगी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ये देखें ये देखें। तो ये जो है, ये दुआ के पापा जो है ये हार मान के चले गए थे, मैंने कहा मैं हार नहीं मानूंगी, दुआ को जो है अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बना के दूंगी, तो अब उनको ये मैं सरप्राइज दूंगी। ये लाइट जो है ये वर्क कर गई है, सुबह जब उठाई है तो मैं उनको दिखाऊंगी पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके, खुशी में जो है बाकी पूरा प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट कर लेते हैं। बल्ब का जो है लाइट वाला जो है सेटिंग जो है ये मैंने रेडी कर दी है, इसमें बस सेल लगना बाकी है तो लाइट जो है वो चल जाती है। अब ये रहा फैन, इसके साथ ये वायर है, तो अभी ये मैंने उसके साथ ही दोबारा ये जो एक साइड की ये रह गई ना, ये और वो ब्लैक और ये रेड, इसके साथ फिर ये मैं कनेक्ट करूँगी, तो ये इंशाल्लाह दुआ करें ये भी वर्क कर जाए। A few hours later. देखें रूम की हालत देखें कैसी हो गई है, मैं तो थक गई हूँ, दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन दुआ का प्रोजेक्ट है तो उसने लाजमी चेक करवाना, तो नाक नहीं करवानी ना मैंने अपने, ना दुआ ना क्लास में नाम तो होता है ना कि मदर्स ने क्या काम किया, मतलब बच्चों को क्या हेल्प किया, हमने देख रहे होंगे आप लोग वो जो कब से बना रही थी। उसका ये मसला मुझे समझ आया कि वो जो लाइट है वो चलेगी एक साल है ना, तो एक बैटरी है तो उस पर या लाइट चलेगी या फिर वो फैन। मैंने बड़ी कोशिश की है कि दोनों चीजें चल जाए लेकिन नहीं, या लाइट चल रही थी या फैन, मतलब इरिटेट हो जाता ना बंदा। मैंने कहा यार क्या करूं क्या करूं, अब फिर मुझे क्या सोच आई, देखें आप सोच रहे होंगे मैं टॉयज के साथ खेल रही हूँ यहाँ बैठ के, ये टॉयज जो है बच्चे सो रहे हैं और मैं उनके टॉयज जो है निकाल निकाल के देख रही थी कि कौन सा टॉय ज़्यादा पुराना है जो बच्चों को नहीं पसंद पड़ा हुआ अरसे से, तो मतलब ज़्यादा अरसे से भी नहीं, अभी मतलब रिसेंटली जो इतना पसंद नहीं है खेलते नहीं पड़ा हुआ। फिर मैंने सोचा कि उसमें से क्यों ना मैं निकाल लूँ ये सब मोटर और ये चीज़ें, मुझे दिमाग में ये सब आइडिया आया, मैंने सारे टॉय जो इधर उधर कर कर के सारे देखे, ये जो है ये बहुत ज़्यादा मुझे इरीटेट करता है। मुझे भी बहुत इरिटेट करता है और बच्चे भी मतलब थोड़ी देर खेलते हैं खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद जो है इरिटेट होने लग जाते थे, और खाम खा इतनी ज़्यादा बैटरीज भी लेता है 3 बैटरीज, तो बस फिर मैंने सोचा कि इरिटेट करने से अच्छा भाई तू काम आ जा। ये है जी इसकी मोटर, छानबीन करके ये तोड़ा, साइड से तोड़ दिया काट दिया क्योंकि बहुत लंबा था ना, ये देखें इसका हाफ हो गया, तो मेरा हाउस जो है वो तो छोटा सा था तो फिर आधा हिस्सा बाहर निकला होता, तो फिर मैंने क्या किया वो आधा हिस्सा काट दिया, सारी सेटिंग वगैरह इसको मैंने टेप लगा दी, और फिर मैं ये जो है ऐसे करके जो है ऊपर बॉक्स रख दूंगी। नाइस। चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से।
से पाले भेड़ चाल ना चल बंदे तू अपनी राह बना ले जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा 2000 years later फ्लावर्स ऐड कर दिए क्योंकि ऐसे बहुत ही ज़्यादा रूखा रूखा लग रहा था तो मैंने कहा कुछ ग्रीनरी वगैरह ऐड की जाए लेकिन मेरे पास ये कुछ पिंक वाइट ऐसे पर्पल फ्लावर्स थे तो ये मैंने वो कर दिए तो चले मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इसकी केबल यहाँ से जा रही है और नीचे से ये है इसका बैटरी की जगह।